वाल्मीकि रामायण के अनसुने रहस्य शायद आप भी जानकर चौंक जाएंगे। पहला तथ्य कि राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन वेरशिनी और उनके पति राजा रोमपाद ने शांता को गोद ले लिया था, जिनका बाद में आर्षि रश्यश्रृंग से विवाह हुआ था। दूसरा तथ्य, रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रतीकात्मक रूप से महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले सबसे पुराने वेदों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तीसरा तथ्य, जब राम मिथिला आए तो वहां कोई स्वयंवर नहीं था, वह विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने मिथिला जाने से पहले राम से कहा था कि वह वहां रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। चौथा तथ्य, मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता, उसके रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है। लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। पांचवा तथ्य, भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रहीं। जब वे रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई, और जब वह सो गए तो उर्मिला जाग गईं। छठा तथ्य, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 29 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के बाद 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। सात तथ्य, वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने के प्रयास का श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया है। आठवां तथ्य, वाल्मीकि जी ने बताया कि धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले महाराजा के लिए एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों के 12 महीनों से मिलकर बनाने पर काव्यात्मक रूप में 11,000 वर्ष, हमें वास्तविक वर्षों की संख्या के रूप में 30 वर्ष और 6 महीने मिलते हैं, जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था। नौवां तथ्य, शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण को मृत्यु का श्राप दिया था। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति थाद्य, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। दसवां तथ्य, रावण के पास पुष्पक विमान और भी कई विमान थे, जिसमें उपयोग किया एक अन्य प्रसिद्ध विमान दांडू मोनारा है। स्थानीय सिंहली भाषा में मोनारा का अर्थ है मयूरा, मोर और डंडू। मोनारा का अर्थ है वह जो मोर की तरह उड़ सकता है। ग्यारहवां तथ्य, पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नल की देखरेख में 5 दिन में 10 मिलियन वानरों ने निर्माण कराया। जब पुल का निर्माण किया गया था तब इसका आयाम 100 योजन लंबाई में और 10 योजन सांस में था, जिससे इसका अनुपात 10.1 था। भारत में धनुषकोड़ी से श्रीलंका में तलाई मन्नार तक का पुल, जैसा कि वर्तमान समय में मापा गया है, लंबाई में लगभग 35 किमी और चौड़ाई 3.5 किमी है, अनुपात 10.1 है। 12 वाल्मीकि के अनुसार कौशल्या ने कहा था, यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उन्हें अस्वीकार कर सकती हूं, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और ये भी कहा, लेकिन अगर कैकेयी ने ही आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा, निश्चित रूप से वह आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगी। 13 राम को ब्राह्मण वधम प्रायश्चितम, अर्थात ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा, इसलिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विद्वान रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। 14 मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मयासुर की बेटी थीं। मंदोदरी को भारत की प्रतिष्ठित पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंचकन्या की उपाधि दी गई है। वे हैं अहिल्या, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी और तारा। 15 महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी।
ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने समाधि ली थी और धरती में समा गई थी। 16 वाल्मीकि जी का यह महान महाकाव्य श्लोक नामक छंदबद्ध दोहों से बना है, जिसमें अनुस्तुप नामक एक जटिल छंद का प्रयोग किया गया है। इन छंदों को सर्ग नामक अलग अलग अध्यायों में समूहीकृत किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट घटना या आशय के बारे में बताया गया है। सर्गों को फिर से कांड नामक अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। 17 देवी लक्ष्मी स्वरूपा सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें वेदवती का अवतार भी माना जाता है, जिनसे रावण ने तपस्या के दौरान छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि वह भगवान विष्णु की पत्नी बन सके। तब उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनेगा। 18 राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण कभी नहीं सोए। उन्हें गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है जिसने नींद को हरा दिया है। 19 लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों का वध किया, जबकि उसके द्वारा मेघनाद का वध अधिक प्रचलित है। रावण के अन्य पुत्र प्रहस्त और अतिकाय थे। 20 लक्ष्मण शत्रुघ्न के जुड़वां भाई थे, उनकी माता सुमित्रा थीं। 21 जांबवंत की रचना ब्रह्मा ने रावण के विरुद्ध संघर्ष में राम की सहायता के लिए की थी। रावण के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान उन्होंने रावण पर प्रहार किया और रावण बेहोश हो गया। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति की भी याद दिलाई ताकि वे समुद्र पार कर लंका जा सकें। 22 बाली ने रावण को भी हराया था। एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए बुलाया। उन्होंने रावण को अपनी पूंछ में पकड़ लिया और उसे संपूर्ण विश्व में घुमाया। विनम्र होकर रावण ने युद्ध विराम का आह्वान किया। 23 शत्रुघ्न को विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। शत्रुघ्न का विवाह राजा कुशाद भोजन की पुत्री श्रुतकीर्ति से हुआ था। श्रुतकीर्ति राजा जनक की पुत्री सीता की चचेरी बहन थी। 24 शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया, जो मधु का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि मधु वही स्थान है जहां आज मथुरा स्थित है। 25 भरत का जन्म विष्णु के पंचायुधों में सबसे प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से हुआ माना जाता है। भरत राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी के पति थे और इस प्रकार सीता के चचेरे भाई थे, जो राम की पत्नी थीं। उनके 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्क। इस प्रकार रामायण में सभी भाइयों की पत्नियां आपस में जुड़ी हुई थीं। 26 रावण के दादा पुलस्त्य थे, जो 7 महान ऋषियों या सप्तर्षियों में से एक थे। उनके पिता स्वयं एक महान ऋषि विश्रवा थे। रावण के ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चित्र बना हुआ था। रावण ने एक बार शिव की स्तुति के गीत गाने के लिए एक संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए अपना हाथ तोड़ दिया था। इसे रावणहत्था कहा जाता था। उनकी माता दैत्यों की राजकुमारी थीं। उसका नाम कैकसी था। कैकसी के पिता सुमाली थे। रावण आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। 27 कैकसी के माता पिता सुमाली और केतुमती ने विश्रवा की योग शक्तियों के बारे में सुना। वे विश्रवा को अपना दामाद बनाना चाहते थे ताकि उनकी शक्तियां बढ़ सकें। उन्होंने विश्रवा और कैकसी की मुलाकात कराई। बाद में विश्रवा और कैकसी 5 बच्चों के माता पिता बने, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। 28 कुंभकर्ण को धर्मात्मा, बुद्धिमान और बहादुर माना जाता था, जिससे इंद्र उससे ईर्ष्या करते थे। अपने भाइयों रावण और विभीषण के साथ उन्होंने भगवान ब्रह्मा के लिए एक प्रमुख यज्ञ और तपस्या की। जब ब्रह्मा से वरदान मांगने का समय आया तो देवी सरस्वती ने उनकी जीभ को बांध दिया, इंद्र के अनुरोध पर कार्य करते हुए। इसलिए इंद्रासन, इंद्र का आसन, मांगने के बजाय उन्होंने निद्रासन, सोने के लिए बिस्तर मांगा। 29वां तथ्य कि कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ थे, वे भी राम के विरुद्ध युद्ध में लड़े और मारे गए। 30वां तथ्य श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सुकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। 31 वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक एक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। 32 रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। 33वां तथ्य हनुमान का मकर ध्वज नाम का एक पुत्र था,
जो रावण के सौतेले भाई पाताल लोक के शासक अहिरावण का वफादार सैनिक था। जब हनुमान अहिरावण द्वारा अपहरण कर लिए गए राम और लक्ष्मण को बचाने गए तो मकरध्वज ने हनुमान को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। 34 अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया था। फिर उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को राजा बनाया और राम और लक्ष्मण के साथ चले गए। 35 राम ने इंद्र से उन सभी वानरों को जीवित करने का अनुरोध किया जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। वे सभी बहादुर थे, अपनी ऊर्जा साबित कर रहे थे और उन्होंने अपनी मृत्यु को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कठिन प्रयास किए और मर गए। हे इंद्र, उन्हें उनका जीवन लौटा दो। इसके बाद वे सभी वानर योद्धा मानो नींद से उठे हों और उनके सभी अंग घावों से पूरी तरह ठीक हो गए। सभी बंदर आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, ये कौन सा चमत्कार है? 36 रावण का मूल नाम दसग्रीव था, जिसका अर्थ है दस सिर वाला। शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया जिससे दशग्रीव का हाथ कुचल गया। दासग्रीव ने पीड़ा में जोर से चीख निकाली जिससे उसका नाम रावण पड़ गया, जिसका अर्थ है दहाड़ने वाला या चिल्लाने वाला। 37 शक्तिशाली राम के अलावा रावण दो अन्य राजाओं से भी पराजित हुआ था। एक था वानर राजा बाली और दूसरा था कार्तवीर्य अर्जुन, महिष्मति का राजा, जिसे हजार भुजाओं वाला भी कहा जाता था। 38 वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को अकंपन नाम के राक्षस ने राम के बारे में बताया था। वह उस युद्ध में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति था जिसमें राम ने 48 मिनट में रावण के 14,000 राक्षसों को मार डाला था, जिसमें उसके चचेरे भाई खर और दूषण भी शामिल थे। 39 राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध में रावण के सारथी ने देखा कि उसका राजा चल रहे द्वंद्व के कारण थक गया था। अपने स्वामी को कुछ राहत देने के लिए उसने रथ को युद्ध के मैदान से दूर भगा दिया। रावण युद्ध से भागते हुए सारथी पर क्रोधित था क्योंकि उसने उसे कायर की तरह दिखाया था। सारथी ने शांति से कहा कि वह चाहता था कि लंका के स्वामी के प्रति अपनी वफादारी का आश्वासन देते हुए पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्रवाई में वापस आने से पहले रावण स्वस्थ हो जाए। अपने सारथी के शब्दों से प्रभावित होकर रावण ने उसे एक रत्न जड़ित हस्त मुद्रिका भेंट किया और युद्ध के मैदान में वापस ले जाने का आदेश दिया। 40 भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वैकुंठ लौटने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हनुमान ने मृत्यु के देवता को राम से मिलने की अनुमति नहीं दी। हनुमान का ध्यान राम की अंगूठी लाने में लग गया जिसे उन्होंने पाताल में फेंक दिया था। यम इस शर्त पर आने के लिए सहमत हुए कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा, लेकिन आर्षि दुर्वासा राम से मिलने आए। प्रारंभ में लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, लेकिन अयोध्या को श्राप देने की धमकी मिलने के बाद लक्ष्मण ने बैठक को बाधित करने का फैसला किया। राम के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर अपने प्राण त्याग दिए। राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु हो गई क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे। उन्हें विष्णु से पहले वैकुंठ लौटना पड़ा।